मातृभूमि के लिए अपनी जान निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अनूठा पर्व भुजरिया का मेला आज महोबा में शुरू हो गया। 27 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने वाले महोबा महोत्सव में आल्हा, राई, अचरी, कछाई सहित बुंदेलखंड की सभी विधाओं का गायन होगा। साथ ही राई व ठिमराई नृत्य भी इस मेले के आकर्षण होंगे। यह जानकारी देते हुए मेला प्रभारी सीएल साहू ने बताया कि मेले का शुभारंभ चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर डीआईजी संयुक्त रूप से करेंगे। मेले में इस साल करीब 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। पहले दिन करीब 2 लाख लोग मेले को देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि मेले में आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि कीरत सागर के तट पर 24 घंटे तक चले भीषण आल्हा उदल के पराक्रम ब्रह्मा लाखन ताला सैयद की वीरता के चलते पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद राजकुमारी चंद्रावली और उनकी सहेलियों के साथ साथ राजा परिमल की पत्नियों ने भुजरियों का विसर्जन किया। तत्पश्चात महोबा रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मेले में बॉलीवुड कलाकारों के कार्यक्रम भी होंगे। मेले को यादगार बनाने के लिए कजली मेले के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। कजलीमेला.com वेबसाइट को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष दिलाशा सौरभ तिवारी ने लॉन्च किया। मेले कजली महोत्सव और महोबा महोत्सव को कजली मेला एवं महोबा महोत्सव को बेहतरीन बनाने के लिए हमारा जिला प्रशासन माननीय जिलाधिकारी श्री सैदो साहब, सीजो साहब और SP साहब बेहतरीन व्यवस्थाएं दे रहे हैं। प्रत्येक आने वाले आगंतुक के लिए स्वागत के लिए महोबा नगरी तैयार है। मेला महोत्सव के सारी प्रशासन और सभी लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से इसको मेला को संचालित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मेले को बेहतरीन बनाने के लिए 27 तारीख से 3 तारीख तक का मेला प्रशासकीय मंच से संचालित किया जा रहा है, जिसमें 27 तारीख से लगातार 2 तारीख तक आला उनके नाम पर मेला होता है। आला गायन रहेगा, लोकगीत, लोकनृत्य, राई, अचरी, जवारा, घुमरियाई, कछियाई, रावला, गोट जो बुंदेली विधाएं हैं उन सबको प्रसारित करने का और बाहर के लोगों को समझाने का इस बुंदेलखंडवासियों को महोबा में आकर के मौका मिलेगा। कौन उद्घाटन करेगा इस महोत्सव का? माननीय कमिश्नर साहब, DIG साहब इसका उद्घाटन करेंगे और ये मेला हवेली दरवाजा जहाँ शहीद हुए थे अंग्रेजों ने, जिनको इंग्लिश फांसी चढ़ाई थी, वहाँ से चल करके यहाँ कजरियों का विसर्जन होगा। ये मेला चंदावल के डोला के लिए पृथ्वीराज ने चढ़ाई की थी, उस पृथ्वीराज को परास्त करने के लिए वीर आला उदल, धनुआ, खुनखुन, मदन, मन्ना, जो तमाम उस टाइम की भीड़ थी, उन्होंने भरसक युद्ध लड़ करके पृथ्वीराज को पराजित किया और हमारी बेटी मंगला की लाजी बचाई थी। उन योद्धाओं के सम्मान में, उन वीर पुरुषों के, महापुरुषों के सम्मान में ये आला महोत्सव मनाया जाता है। कितने लोग यहाँ पर इस मेले में आने की उम्मीद है? इसमें पहले दिन तो लगभग 2 लाख, इसके बाद पूरे 7 दिन और अंतिम जो बॉलीवुड के दो विपिन सचदेवा और सूर्य सलवीला नाइट है, उसमें 2-2.5 लाख, एक दिन दूसरे दिन 2-2.5 लाख आने की संभावना है। लगभग 10 लाख जो संख्या है, मेरा अनुमान है, उनके लिए बेहतरीन, सबके लिए शौचालय, बाथरूम, पेयजल, यहाँ तक कि सारे होटलों में आगंतुकों के लिए बेहतरीन सम्मान की व्यवस्था की गई है। आगंतुकों को ये महसूस हो कि बुंदेलखंड की धरती से लोग सम्मान पा करके जा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को जान करके जा रहे हैं।